तनाव या मानसिक तनाव ये क्यों होता है, किस किस को होता है और किस तरह की जीवन शैली की वजह से ये हमारे अंदर आ जाता है? मानसिक तनाव आज के समय में, जैसा कि मैंने अपने अभी तक की अपनी प्रैक्टिस में तजुर्बा किया कि मानसिक तनाव से हर आदमी, जहां तक मैं कहूंगा कि हर आदमी, हर इंसान उससे पीड़ित है, तनाव से ग्रसित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत लोगों को ये आभास ही नहीं होता और ये एहसास नहीं होता कि वो तनाव का शिकार है, क्योंकि मानसिक तनाव को या साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम को हम बहुत बड़े नजरिए से देखते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम मान के सोचते हैं कि हमको बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, ये पागलपन के लेवल तक पहुंच जाए या सुसाइडल लेवल तक पहुंच जाए, तब हमें किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत है। वो ये नहीं जानते और ना ये समझ पाते हैं लोग कि जो रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं, जो तकलीफें हैं, उनसे हमको कितना तनाव हो रहा है और वो कितना ज्यादा असर डालते हैं हमारे मन पे, हमारे शरीर पे, और हमको उन चीजों को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और उसका जो है उपचार करना चाहिए। जैसे कि सबसे तीन जो मेन जो कारण है मानसिक तनाव के, उसमें से सबसे पहला है गुस्सा और चिड़चिड़ापन। ये आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हर उम्र के लोगों में ये प्रॉब्लम आजकल रहती है। इसके पीछे भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है, एक तो इम्पेशेंस, धैर्य की कमी है। किसी के अंदर भी, आप छोटे बच्चे ले लीजिए, उनके अंदर कोई सामान पाने के लिए धैर्य नहीं है, कुछ लाइफ में अचीव करने के लिए धैर्य नहीं है। हर कोई कोशिश करता है कि हम जल्दी से किसी शॉर्टकट तरीके से जो अपनी मंजिल है उसको हासिल कर लें, उसको पा लें, लेकिन हर समय ये संभव नहीं होता। और जब वो संभव नहीं हो पाता है तो हमें उस बात पे गुस्सा आता है, इन बातों से चिड़चिड़ापन होता है। और ऐसे ही, और आप दूसरे वर्ग में ले लीजिए, और जो हायर एज होती है उसमें आप ले लीजिए, तो अपने करियर में, प्रोफेशन में जो अचीव करने के गोल्स हैं उसकी वजह से होता है। आपस में जो आपसी संबंध होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, उसमें इंटॉलरेंस होता है, उसमें इंपेशेंस होता है, लोग एक दूसरे की बात को सुनना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी बात को सामने वाले के ऊपर हावी करना चाहते हैं। इन वजहों से गुस्सा और चिड़चिड़ापन आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दूसरी जो सबसे मेन कारण है वो है चिंताएं, तरह तरह की एंग्जाइटीज, जिससे कि आजकल हम लोग पीड़ित रहते हैं। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और उनके लिए हर छोटी बात के लिए परेशान रहते हैं, उनको वो छूट नहीं देना चाहते, उनको खुला नहीं छोड़ना चाहते, हर छोटी बात के लिए उनके लिए परेशान रहते हैं। दूसरों को देख के जो है प्रभावित होना कि दूसरे के बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका क्या टैलेंट है, उनको कितना आता है, इस दबाव में हम खुद भी परेशान होते हैं और अपने बच्चों पे भी जो है ये परेशानी लाते हैं कि उनको तरह तरह की ट्यूशन कराना, तरह तरह की एक्टिविटीज कराना वो खराब नहीं है। किसी को जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज आए और जितना उसमें भाग ले वो अच्छा रहता है, लेकिन उसको करने के लिए दबाव में आ जाना ये एक चिंता का विषय है। ऐसे ही अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहना, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि लोगों के अंदर कैंसर कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर छोटी से छोटी चीज को लोग कैंसर समझ लेते हैं। अगर किसी को सर में दर्द भी हो रहा है तो वो ये नहीं सोचते कि हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है या हमें साधारण सर्दी जुकाम हो सकता है, हमें साइनोसाइटिस हो सकता है, वो सीधे ये सोचते हैं कि कहीं हमें ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं, जरा सा पेट में दर्द हुआ तो उसको ये ना सोच के कि वो गैस की प्रॉब्लम हो सकती है या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उनके दिमाग में सीधे आता है कि कहीं हमारे पेट में या आंतों में कैंसर तो नहीं हो गया। ये बेमतलब का और खुद का पाला हुआ जो कैंसर का भय है ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो हम अपनी डेली प्रैक्टिस में देखते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक और चिंता का विषय है अकेलापन। आजकल जैसा कि आप लोग देखते हैं कि ज्यादातर परिवारों में यही होता है कि बहुत ही कम उम्र की अवस्था में
बच्चे घर छोड़ के बाहर पढ़ने चले जाते हैं, तो जो माँ बाप है वो अपने शहर में रह जाते हैं, बच्चे कहीं और चले जाते हैं। अब जहाँ बच्चे जाते हैं वो वहां पर अकेले हों, क्योंकि दोस्त दोस्त ही होते हैं, माँ बाप ही होते हैं, तो दोस्तों के ऊपर उतना ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, हर बात अपनी नहीं उनसे शेयर करी जा सकती, इसलिए बच्चे वो जो है अपनी बातें लोगों से शेयर नहीं कर पाते हैं और बहुत अकेला महसूस करते हैं। माँ बाप घरों में अकेला महसूस करते हैं, उसमें भी हस्बैंड जो है वो दिन भर काम पे चले जाते हैं, जो वाइफ है वो भी या तो वर्किंग है तो वो अपने ऑफिस चली जाती है, अपने काम पे चली जाती है, या हाउस वाइफ है तो घर पे रहती है। लेकिन जहाँ पहले एक समय में हम लोग ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे और एक दूसरे की मुसीबतों को सुनते थे, समझते थे, आज वो सब बहुत अलग हो गए हैं, सारे परिवार टूट गए हैं और अकेलेपन की वजह से बहुत तरीके की चिंताएं होने लगी। यही चिंताएं जो है बिजनेस को लेके और अपनी सर्विस को लेके, अपनी जॉब को लेके, तरह तरह की जो इस तरह की एंग्जाइटीज हैं, चिंताएं हैं, ये जो है बहुत परेशान करती है। और एक और जो मेजर कारण है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि मन से बहुत ज्यादा अत्यंत दुखी रहना। इसके डिप्रेशन के जो लक्षण है वो ये है कि हमारा किसी से मिलने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, अकेले रहने का मन करता है, हंसी मजाक करने का मन नहीं करता है, जीवन के जो रोजमर्रा की जो खुशियां होती, छोटी छोटी खुशियां होती हैं, वो उनको हम एंजॉय नहीं कर पाते, लाइफ में किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रह जाता है और अपनी लाइफ से परेशान हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं और ऐसे ख्याल आते हैं दिमाग में कि हमारी लाइफ, हमारा जीवन या तो खुद ही अंत हो जाए या हम कुछ ऐसा कर करके उसको अंत करें। तो डिप्रेशन भी आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग अपने दुखों से कोप अप नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं और उनको किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं और अपने ही दुख में उलझते उलझते वो इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि या तो वो गंभीर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और या वो कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे कि उनके परिवार वाले और उनके आसपास के लोगों को भी बहुत पीड़ा पहुँचती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल KKD News और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।